नहीं है, समझ में नहीं जाएगी। राकेश कहा किस तरह का वर्कआउट में क्या पकड़ा गया है? ये सावन माह को दृष्टिगत रखते हुए कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रभारी निरीक्षक कैंट हेमंत सिंह द्वारा अपनी टीम के साथ प्लेटफार्म नंबर 5 पे संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान दो व्यक्ति जिसमें से एक का नाम मेराज आलम और एक का नाम सोएब मोहम्मद सोएब है, इनके लिए हुए बैग को चेक किया गया तो इनके हैंड बैग में 16,85,000 रुपये कैश बरामद हुए। ये पैसा इनके द्वारा बताया गया कि ये पीतल के बर्तन का काम करते हैं और ये पैसा वो मुंशी पीतल के बर्तन का है और ये इसको बनारस से लेकर के मुरादाबाद जा रहे थे। इन्होंने यही बताया कि ये बर्तन का पैसा है और वो पेमेंट इन्होंने लिया है, लेकिन इसके संबंध में इनके द्वारा कोई भी कागजात नहीं दिखाया जा सका है। आईटी टीम आ गई है, वो अपनी पूछताछ कर रही है और इसी के साथ एटीएस भी आई हुई है जो इनसे पूछताछ कर रही है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं और बनारस में कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा किया? ये लोग मुरादाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने ये पैसा इनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि ये पैसा दशा समेत घाट और वहीं पे दशा समेत में गलियों से जो दुकानें हैं वहाँ से लिया गया है। अभी आगे अग्रिम कार्रवाई क्या? इसमें आईटी वाले अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस पैसे के अलावा 98,000 और भी एक व्यक्ति के पास से बरामद हुआ है जो इन दोनों में से एक है। 5 पर इनको ट्रेन से जाना था, अभी वो ट्रेन आई नहीं थी, ट्रेन दुरियाना एक्सप्रेस जाना था। ये टोटल 17,83,200 रुपये बरामद हुए। ये कब से काम कर रहे हैं? इनके द्वारा ये बताया गया कि ये करीब 4 वर्ष से काम कर रहे हैं। पहले भी नगरमा है या पहले भी दिल्ली में? उसके संबंध में हम लोगों द्वारा जांच की जा रही है, इनके पुराने जो हिस्ट्री है उसको देखा जा रहा है कि इनके विरुद्ध कोई मुकदमा पंजीकृत है या नहीं है। पहले भी कहीं पकड़े गए हैं? सब कुछ अभी इसकी जांच की जा रही है।